सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप बाहरी कारणों को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर इससे आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो करते रहें जो आपको करते रहना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करते वक्त सिर्फ दो सोच रखनी चाहिए, अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो रास्ता मैं खुद बना लूंगा। सफलता खुशी का कारण नहीं है, बल्कि खुशी सफलता का कारण है। आज का पंचांग 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, सम 4:54 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:32 तक रहेगी। इसके उपरांत फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:31 से 2:08 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार, आज आपको कई सारे मुद्दे सुलझाने हैं और ये सभी काफी महत्व के मसले हैं। इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इन सब में फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। आप आज अपनी परेशानी के चलते करियर कह सकते हैं, जिसके लिए आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। नई योजनाएं बनाने और नए उपक्रम के लिए समय अनुकूल है। सार्थक परिणाम हासिल होंगे। काफी समय बाद दोस्तों के मिलने से खुशी और उमंग महसूस करेंगे। रोजमर्रा के उपजाऊ दिनचर्या से भी राहत मिलेगी। भावनाओं पर काबू करना आज आपको सीखना होगा। आज कई सारी घटनाएं ऐसी होगी जिसके कारण आप अधिक भावुक महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने स्थान को बनाए रखने के लिए दिल और दिमाग में बनाए रख कर ही आप सोच विचार करेंगे। आपको हो रहे मानसिक क्लेश का समाधान केवल आप ही ढूंढ सकते हैं। काम से जुड़ी बातों की चर्चा फिलहाल किसी के साथ भी ना करें। विचारों में स्पष्टता आने के लिए और थोड़ा वक्त लग सकता है। बच्चों से संबंधित चिंता अधिक होने की वजह से रिलेशनशिप पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। सावधानियां, बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रतिबंध ना लगाएं, क्योंकि इससे उनके आत्मबल और कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी किसी नकारात्मक बात से कोई मित्र नाराज भी हो सकता है। कुछ समय धर्म कर्म में भी जरूर लगाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। मित्रों से मेल मुलाकात दिन को और अधिक खुशनुमा बनाएगा। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जहाँ आपने अपने साथी के साथ प्यार भरा समय बिताया था, या तो कहा ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही है। उन बातों के लिए अपना मन दुखी ना करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसलिए उन्हें वैसे ही रहने दे जैसे भी हैं। बात करते हैं करियर की। अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम हासिल हो सकती है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा भी रहेगा। व्यवसाय संबंधित काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते जाएंगे, परंतु ज्यादा मुनाफे की उम्मीद न रखें। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ा है, अभी उसे उभरने में कुछ समय लगेगा। नौकरी पेशा लोगों का ऑफिस का वातावरण शांति और सुकून भरा रहेगा। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन
इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का और बारीकी से ध्यान रखना होगा। आज का उपाय, आज अब भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।